अस्सलाम वालेकुम आज हमारे पास जो मशीन लर्निंग के फंडामेंटल्स के दो अहम चीज़ें हैं जो अक्सर अकात हमें समझ नहीं आ रहा होता कि दोनों में डिफरेंस क्या है वो है बाइसनेस और वेरिएंस और ये फंडामेंटल्स में क्यों हमने शामिल किए क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक हमें मॉडल कौन सा बेहतर है किस सिचुएशन में वो भी बिल्कुल समझ नहीं आने वाला और अच्छी बात यह है कि हम इसको बड़ी ही आसानी से देसी तरीके से देखने वाले हैं आपको बिल्कुल आराम से आसानी के साथ समझ में आ जाएगा चले शुरू करते हैं एग्ज़ाम्पल मेरे पास हम यूजली हाइट और वेट की लेकर आते हैं काफ़ी आसान सी एग्ज़ाम्पल है तो इस तरह की नोयीत है कि जो नीचे वाली वैल्यूज हैं वो ये शो कर रहे हैं कि मेरे पास अगर हाइट कम है तो वेट भी कम है फिर ये वाली वैल्यू शो कर करें हैं कि मेरे पास अगर हाइट ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा है फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब मेरे पास हाइट तो बढ़ नहीं रही लेकिन मेरा वेट बढ़ रहा है इस केस में हम ओबिसिटी की तरफ जा रहे होते हैं तो इस तरह का मेरे पास रिलेशन है हाइट्स और वेट्स के दरमियान में तो जो नीचे ये ब्लैक लाइन नजर आ रही है असल में ये ट्रू रिलेशन बता रही है और ट्रू रिलेशन अक्सर का हमें इक्वेशन के साथ समझ में आ जाता है ये समझ पता चल जाता है कि ये है जो हमें हमारे पास जो हाइड्रोवेट के दिन में रिलेशन है ये जो बेंडिंग लाइन है ये ट्रू रिलेशन बता रही है अब हमने सपोज ये करना है कि हमें ये नहीं पता क्योंकि हमने मशीन लर्निंग से प्रोडिक्ट करवाना मैंने नीचे इसको फेड कर दिया ताकि हमें पता रहे कि असल में ये चीज़ है पर हमने जो मॉडल बनाना है वो किस तरह इसके ऊपर या नीचे डिविएट करें ठीक है सबसे पहला काम जो हम कर रहे होते हैं डेटा को डिवाइड कर लेते हैं ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में तो जो ब्लू वाले डॉट्स हैं वो आपने हमेशा याद रखना है कि वो है ट्रेनिंग के लिए और जो ग्रीन वाले डॉट्स हैं वो असल में हमारे पास है टेस्टिंग के लिए तो हमने क्योंकि अभी मॉडल बनाना है ट्रेन कराना है तो हम ये ब्लू वाले डॉट्स के साथ आगे लेकर चलते हैं अब क्योंकि मेरे पास ये दोनों नुमारिकल वैल्यूज़ हैं सबसे पहला जो जहन में हमें हम जब भी मॉडल बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले जहन में आता है रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन मैंने एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल जो है वो बनाया और ये फिट करा दी लाइन अब ये जो लाइन है वो मैंने फ़िट तो करा दी है लेकिन जो ये वाला बेंड है जो ये वाला बेंड है वो उसको अच्छे तरीके से जस्टिफाई नहीं कर रहा ठीक है चाहे मैं लाइन ऊपर कर दूँ थोड़ी सी या नीचे कर दूँ या उसकी स्लोप थोड़ी सी आगे पीछे कर दूँ वो ये जो बेंड है इस लाइन को उसको अच्छे तरीके से अडेप्ट नहीं कर सकता या उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता इस चीज़ को कि ये इस लाइन की इनबिलिटी है एक किस्म की कि वो उस बैंड को नहीं जस्टिफाई कर रहा हम इसको कहते हैं बाइसनेस ठीक है जब आपका मॉडल असल में जो मॉडल है या असल में जो लाइन है उसके करीब तो हो लेकिन उसके पूरे फीचर्स को जस्टिफाई ना कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं बाइस और इसमें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोर्शन बेंड वाला है चाहे हम लाइन को जितना मर्जी ऊपर नीचे करके देख लें ज़्यादा है तो हम कहेंगे इसके अंदर हाई बाइसनेस पाई जाती है ऑन दी अदर हैंड अगर मेरे पास कुछ इस तरह का मॉडल बन जाए जो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन तो हो लेकिन हर पॉइंट में से गुजर रही हो अब ये वाली जो लाइन है ये बैंड जो है असल में असल मॉडल के उसको अडेप्ट कर रही है काफी हद तक रिग्रेशन मॉडल की निस्बत ठीक है इसमें बाईसांस तो है लेकिन उससे कम है जो अभी हमने देखा है रिग्रेशन के अंदर अब अगर मैं इस तरह करूं कि मैं इन दोनों को कंपेयर करूं आपस में ये पूछूं कि बेस्ट फिट कौन सा इसके अंदर अब बेस्ट फिट पता करने के लिए सबसे पहले अगर मैं ये नीचे वाला जो हमारे पास स्टैंडर्ड है उसको मैं रिमूव कर दूँ और फिर मैं बेस्ट फ्रेड की बात करूँ तो हम ये इस तरह करते हैं कि हर पॉइंट का डिफरेंस कितना है जो हमने मॉडल डिवेलप किया जैसे स्क्वेड डिस्टेंस हम देखेंगे हर पॉइंट का उसकी लाइन से स्क्ोड डिस्टेंस कितना है स्क्ोय डिस्टेंस क्यों है क्योंकि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के फर्क को कैंसिल ना करते ठीक है।, है अब जो रिग्रेशन वाली लाइन है उसमें ये वाला पॉइंट जैसे ऊपर है इसका भी डिस्टेंस है ये वाला ऊपर है इसका डिस्टेंस है ये थोड़ा सा ऊपर इसका डिस्टेंस आ जाएगा ये नीचे इसका डिस्टेंस आ जाएगा तो हम हमें सबको स्क्र करके ऐड कर लेंगे और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो सारे पॉइंट्स लाइन के ऊपर ही मौजूद हैं तो यहाँ पर कोई डिफ्रेंस ही नहीं है हमारे पास डेटा का इस केस में जब हम बात कर रहे हैं कि बेस्ट फिट कौन सी है और बेस्ट फिट हम तब कहते हैं जो डिस्टेंस आपका छोटे से छोटा हो पॉइंट ज़्यादातर आपके लाइन के ऊपर ही हो तो इस केस में मेरे पास ये टेडमेडी लाइन जो है वो विन कर गई है ठीक है और अब मैं क्योंकि हमने सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पे तो नहीं रहना हमने टेस्ट भी करके देखना है जब मैंने डेटा को टेस्ट किया और इस तरह करते हैं हम ये ब्लू वाली लाइन्स को यहाँ से हटा देते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके कि मैंने फिटिंग चेक करनी है टेस्टिंग के ऊपर तो वो किस तरह है अब जो हमने लाइन फिट की है लेनियर उसमें जिस तरह पहले देखा था कुछ ऊपर है कुछ नीचे हैं वो हम स्क्वायर करके देख लेंगे और देख सकते हैं इसका रिलेशन मोर लेस जो हमने ट्रेनिंग डेटा किया उससे मिलता जुलता है लेकिन जो ये टेडीमेड लाइन है इसमें एकदम से सारे पॉइंट्स ऊपर नीचे चले गए हैं टेस्टिंग के वक्त ट्रेनिंग के वक्त सारे उस लाइन के ऊपर ही थे तो जो ये चीज़ है ये हमें बताती है कि टेस्टिंग के वक्त जो ये टेडीमेड ये लाइन है जो हर पॉइंट में से गुजरी थी उसने एकदम से फ्लिप कर लिए पहले तो बहुत अच्छा फिट कर रही थी और वह नहीं कर रही थी अब ये बिल्कुल भी नहीं कर रही इस केस में हम कहेंगे कि जो हमारी रिग्रेशन है लीनियर रिग्रेशन वो बेहतर है अब क्यों बेहतर है इसको मैंने क्यों कहा है क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है वेरियंस का वेरियंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका जो लाइन है टेस्टिंग के वक्त को बिल्कुल ट्रेनिंग के वक्त बिल्कुल आपको सही परफॉर्मेंस दे रही हो बहुत अच्छा फिट कर रही हो लेकिन टेस्टिंग वक्त बिल्कुल ही आपकी पॉइंट्स ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए बहुत ज़्यादा आपके मॉडल में वेरियंस बहुत ज़्यादा आ जाती है और जो वेरियंस है वो आपको अच्छी प्रोडिक्शन बिल्कुल भी नहीं दे सकती क्योंकि कभी वो बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन दे देगी कभी बिल्कुल ही बुरी प्रोडिक्शन देगी आप कंसिस्टेंट नहीं रहते अपनी प्रोडिक्शन में तो जो ये टेडी मेडी लाइन है उसमें हमारे पास वेरियंस बहुत ज़्यादा है लेकिन वेरियंस ज़्यादा होने के बावजूद हमने ये देखा था कि बाईस जो है वो लो है तो इवेंचुअली हमारा मेन मक़सद प्रोडिक्शन कराना होता है हमने पहले भी फंडामेंटल में बात की थी कि जो हमारे पास बेसिक फिट है वो एक हम हमसे कंफ्यूज नहीं होना फिटिंग एक अलहदा चीज़ है और प्रोडिक्शन एक अलहदा चीज़ है कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं जो बेस्ट फिट लाइन है वो हमारी प्रोडिक्शन भी अच्छी करेगी यहां पर हमने देखा ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता हमने अपना फोकस इस पर रखना है कि प्रोडिक्शन किस पर हो रही है तो जब हमारे पास कुछ इस तरह का सीन हो जाता है कि हमारे पास किसी एक केस में वेरियंस ज़्यादा है और एक केस में वेरियंस लो है तो हमें किस चीज़ को लेकर चलना है आगे ऑब्वियसली जिसमें हमारे पास वेरियंस कम होगी जैसे अब मैंने रिग्रेशन की अगर बात करूँ तो रिग्रेशन में हाई बाइस तो था लेकिन उसकी वेरियंस लो है वेरियंस लो क्यों है क्योंकि जो उसने रिज़ल्ट मुझे मॉरलैस शो किया ट्रेनिंग के वक्त वही उसने टेस्टिंग के वक्त शो किया हाँ वो मुझे बहुत अच्छी प्रोडिक्शन नहीं देगा क्योंकि उसमें बाइसनेस थी लेकिन वो मुझे कंसिस्टेंटली प्रोडिक्शन देगा जिस तरह का उसने बिहेवियर शो किया था टेस्टिंग के वक्त और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मजीद आता है ओवर फिटिंग का जब आपका ट्रेनिंग डेटा कुछ और आपको तस्वीर प्रोवाइड कर रहा हो टेस्टिंग के वक्त वो बिल्कुल और तस्वीर प्रोवाइड कर रहा हो इन टर्म्स ऑफ एरियंस ठीक है तो वो आप कहेंगे कि आपका मॉडल ओवर फिट हो गया जब वेरिएबिलिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है लेकिन आप जब ट्रेनिंग के वक्त बहुत अच्छे होते हो कि हमारा बहुत खुश हो जाता है कि आपका मॉडल जो है बहुत अच्छा फिट हो गया तो इस केस में ओवर फिटिंग का कॉन्सेप्ट आता है तो इन मुख्तलिफ चीज़ों से हमें बचकर रहना है और इवेंचुअली हमने इस चीज़ पर ध्यान देना है कि हम चाहते हैं कि अपने मॉडल से ठीक है होपफुली जो अभी हमने मुख्तलिफ़ पीछे भी फंडामेंटल्स कवर किए हैं और आज भी हमने दो चीज़ें मज़ीद देखी हैं इसको आपने दोबारा देखना है एलग्रिज्म अप्लाई करते हुए भी हम इन चीज़ों को देखेंगे कि इवेंचुअली हम देखना क्या चाहते हैं और हमारा मेन टारगेट के ठीक है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफ़